Hello everyone, I hope you all are doing good. So in today's video we will talk about the most asked question to me Instagram pe bhi and then in YouTube comments as well. These questions have been asked so many times, what to pack, what not to pack. So ye cheeze hum aaj discuss karenge, whether you are coming as a student or you are coming as a permanent resident. Jab bhi aap packing karein Canada ke liye, bahut si cheeze aapko dhyan mein rakhni hai. So aaj hum detail mein discuss karne wale hain your packing list, be it clothing, be it your kitchen utensils, be it your documents and everything. Beech beech mein main papers mein cheating bhi karungi kyunki mere notes mein aaye hain kuch cheeze main bhul na jaun. So chalo ji, without any further ado, let's start the video. तो डॉक्यूमेंट्स से स्टार्ट करते हैं. डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं आपका पासपोर्ट, दैट यू नो ऑफ कोर्स इट विल बी इंक्लूडेड. सो आपका पासपोर्ट एंड देन उसके बाद आपकी आईएलटीएस की टीआरएफ, दैट इज़ रिक्वायर्ड. उसके बाद अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपका जीआईसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जीआईसी का. एंड देन योर वीज़ा लेटर, इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट देन यू विल ऑल्सो नीड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जो भी है वो लेटर भी चाहिए. एंड वीज़ा लेटर, जब आपका वीज़ा लग जाता है देन दे सेंड यू द वीज़ा इन्फॉर्मेशन, राइट, कि यू आर अप्रूव्ड. तो वो वाला लेटर प्रिंट आउट लेके वो ज़रूर लेके आना. एंड आपके फंड्स की जो भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपके फंड्स हैं उसकी एक रिसीट होती है, वो भी आप लेके आना. एंड इसके बाद आपके अकेडमिक जो सर्टिफिकेट्स हैं, टेंथ के, प्लस टू के, ग्रेजुएशन के, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए. एंड आपकी गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए आपके पास. एंड अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, स्पेशली एजुकेशन की जो सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनको आप फोटोकॉपी करा के नोटराइज ज़रूर करा लेना, क्योंकि उससे फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आके अगर आप किसी और डिफरेंट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नोटराइज कॉपी चाहिए होती है आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है उस चीज़ की. तो वो आपको काफ़ी हेल्प करती है. यहाँ पर आके फिर नोटराइज कराने में बहुत प्रॉब्लम आती है और बहुत ज़्यादा पैसे भी लग जाते हैं. फॉर अ सेफर साइड, नोटराइज कॉपी आपके हर डॉक्यूमेंट के आप लेके आएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा. और इसके अलावा अगर आपको इंडिया में एक्सपीरियंस है, तो इंडिया में या जिस किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो अपने जॉब के एक्सपीरियंस लेटर्स, जिसमें आपकी जॉब ड्यूटीज़ मेंशन होती हैं, कितने आवर आपने काम किया है, कितनी आपकी सैलरी थी, क्या आपकी पोजीशन थी, वो सारा कुछ उस लेटर में लिखा होता है, वो ज़रूर लेके आना. क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे और बाद में पीआर अप्लाई करेंगे देन आपको फिर से वो लेटर तो बनवाना पड़ेगा ही. यू नीड दैट लेटर फॉर योर पीआर, सो विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. वो लेटर ज़रूर लेके आना. द नेक्स्ट थिंग इज़ ड्राइविंग लाइसेंस एब्स्ट्रैक्ट. आई टोल्ड दीज थिंग्स इन माई वीडियो वेयर आई मैंशन अबाउट वॉट टू डू बिफोर कमिंग टू कैनेडा. सो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, बट ये तो पैकिंग लिस्ट है इसलिए मैं इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ उस चीज़ों में. तो ड्राइविंग लाइसेंस एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर लेके आए अपना. उससे आपको यहाँ पे आपके आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काउंट हो जाएगा. आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस एब्स्ट्रैक्ट या फिर अपना खुद का जो ड्राइविंग लाइसेंस है चिप वाला, वो सबमिट करेंगे. आपको यहाँ पे वेट नहीं करने पड़ेगी, एक या दो साल आप डायरेक्टली रोड टेस्ट दे सकते हैं. तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स. इन केस इसमें से कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट्स में लिख देना, बट अगर मुझे याद आया बाद में आई विल राइट दैट इन द कमेंट. दिस इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स. नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ क्लोदिंग. क्लोदिंग में व्हाट आई हैव सीन हियर कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन आप बेसिकली जब आप नए आ रहे हैं कैनेडा में तो आप अपनी क्लोदिंग लेके आएंगे, तो आप अपने समर के जो कपड़े हैं वो लेके आएँ और आपके विंटर में ज़्यादा स्पेंड ना करें कपड़ों पे, क्योंकि यहाँ पे विंटर के हिसाब से आपको यहाँ पे आके चीज़ें अलग लेनी पड़ेंगी. तो अगर लिस्ट की बात करें तो आप अपनी टी शर्ट्स, टॉप्स और जीन्स, लोअर्स आप ये लेके आ सकते हैं. फॉर्मल ज़रूर लेके आए एक पेयर फॉर्मल का, क्योंकि जब आप इनिशियली यहाँ पे आएंगे आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा तो आप फॉर्मल डालेंगे. देन आप अगर अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे भी जाएंगे तो भी आपको फॉर्मल की ज़रूरत होगी. यहाँ पे फॉर्मल थोड़ा महंगा मिलेगा आपको इंडिया के कंपैरेटिवली, तो एक फॉर्मल सूट लेके आएँ. इसके अलावा विंटर की अगर मैं बात करूँ तो विंटर के लिए आप अपने थर्मल्स लेके आ सकते हैं. और यहाँ पर लेयरिंग करते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होती है. विंटर यहाँ पर निकालना इज़ एक्चुअली लेयरिंग. जितनी ज़्यादा आप लेयर प्रॉपरली करते हैं यू कैन ईजिली सर्वाइव द विंटर हियर. विंटर के कपड़ों पर आपको कैनेडा आने से पहले बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है. बेसिक आप अपनी चीज़ें लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आके
आपको विंटर के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, जैसे जैकेट्स एंड एवरीथिंग। तो एक जैकेट ले आएँ इनिशियल दिनों के लिए, एंड देन आप विंटर शूज़ भी, आप नॉर्मल शूज़ लेके आएँ, यहाँ पे आके आप अपने विंटर शूज़ ले सकते हैं। अगर आपको बजट देखना है कि कितने आप स्पेंड करेंगे यहाँ पे आके, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डील्स पे शॉपिंग की थी, बहुत ही अच्छे विंटर शूज़ हमें मिल गए थे बहुत सस्ते में। यू कैन चेक दैट वीडियो आउट हियर। एंड द नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ऑफकोर्स ये ज़रूर लेके आना यहाँ पे जब भी फंक्शंस आते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर पार्टीज़, तो कम्युनिटी में लोग गैदर होते हैं पार्टीज़ में, तो आप अपने ट्रेडिशनल वेयर डालते हैं जो कि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। ऑफकोर्स उतनी वैरायटी भी आपको नहीं मिलती है, इंडिया में ज़्यादा है, तो आप इंडिया से अपनी ट्रेडिशनल वेयर ज़रूर लेके आएँ। नेक्स्ट इज़ अंडर गारमेंट्स से तो एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा पेयर लेके आएँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट किया कि वैसा स्टफ़ नहीं मिलता है जो हम प्योर कॉटन जैसे यूज़ करते हैं इंडिया में या आपको ईजिली अवेलेबल होता है, तो वो चीज़ आप ज़रूर लेके आएँ काफ़ी ज़्यादा पेयर्स में, एटलीस्ट 10 to 12 पेयर्स। यूटेंसिल्स की बात करें, वो सबसे बड़ा सबका होता है टॉपिक कि यार यूटेंसिल्स कौन कौन से चाहिए। यहाँ पे सारे मिल जाते हैं, बट ऑफकोर्स यहाँ पे एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इम्पोर्ट किए जाते हैं ऑफकोर्स इंडिया से कुछ कुछ यूटेंसिल्स, जैसे स्पेशली कुकर हो गया, तो कुकर एक ज़रूर छोटा सा लेके आए। एंड द नेक्स्ट इज़ तवा, यहाँ पे ईजिली अवेलेबल होता है वॉलमार्ट में, बट अगैन आप जब नए आएंगे तो हर चीज़ खरीदने नहीं जाएंगे, तो इनिशियली तवा भी आप ले आएँ। दैन द नेक्स्ट इज़ बेलन आप ले आएँ, चकला लाने की ज़रूरत नहीं है, बेलन टू जो रोलर होता है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शेल्फ़ पे आप कर सकते हैं, तो वो आपका वेट का भी आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा हैवी ना करें, तो एक बेलन ले आएँ। फ्राई पैन एक ले आना, क्योंकि अगर आप दाल वगैरह बनाते हैं तो तड़का वगैरह लगाएंगे तो फ्राई पैन में लेके आएंगे, छोटा सा एक फ्राई पैन ले आना। और इसके अलावा चाय बनाने के लिए जो पैन होता है वो ज़रूर ले आना, और छन्नी जिसमें चाय छानते हैं वो ले आना। वैसे यहाँ पे डॉलरामा स्टोर है, वहाँ पे बहुत सस्ते यूटेंसिल्स मिल जाते हैं, छन्नी भी मिल जाती है। जो भी आप अपने प्लेट्स, ग्लास और बोल लेके आ रहे हैं, मेक श्योर ये माइक्रोवेवेबल हों, माइक्रोवेव में आप इसे यूज़ कर पाएँ। कड़छी होती है वो ज़रूर लेके आना, यहाँ पे भी मिल जाएगी बट इनिशियल दिनों के लिए कड़छी लेके आना। नेक्स्ट आ जाती है किचन की चीज़ें, जैसे कि फूड की अगर बात करें, स्पाइसेस या पल्सेस या दाल वगैरह होगी, तो दाल, पल्सेस सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। वॉलमार्ट एक जो सुपर स्टोर है यहाँ पे, या फिर किसी भी इंडियन स्टोर पे आप चले जाना, यहाँ पे बहुत से इंडियन स्टोर हैं, तो वो स्पेस जो है आप उन चीज़ों के लिए यूज़ करना खाने की बजाय जो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती हैं, मिलती हैं तो एक्सपेंसिव मिलती हैं। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ज़्यादा इंडिया से बाय करने की कोशिश ना करें, जो भी है वो ले आएँ, बाकी आप यहाँ पे आके बाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ऑलरेडी इंडिया में फ़ोन है तो आप वो फ़ोन यहाँ पे लेके आएँ, वो चल जाएगा यहाँ पे। और आपके जो चार्जर है, चाहे आपके पास लैपटॉप है या फ़ोन है, आप एक यूनिवर्सल अडैप्टर ले सकते हैं, वो अडैप्टर आपका जो है वो इंडिया के जो प्लग्स वगैरह है, इक्विपमेंट्स है, वो यहाँ पे आपके ईजिली यूज़ हो जाएंगे। तो ये एक सजेशन है। अगर आपके पास इंडिया में लैपटॉप नहीं है, देन आप यहाँ पे आके बाय करना, क्योंकि यहाँ पे आपको चीप पड़ जाएगा। और अगर आपके पास लैपटॉप है ऑलरेडी, तो आप वो ले आना, यहाँ पे वो यूज़ हो जाएगा। अदर देन दैट, जो अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गई, वो उतनी इफेक्टिवली यहाँ पे चलते नहीं है। मेरी जो आयरन थी वो उतनी एफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, वो इतनी हॉट नहीं होती, मे बी वोल्टेज का इशू है, तो वो आप अवॉइड करें, यहाँ पे आके आप ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। इसके अलावा आप अपना पावर बैंक ज़रूर लेके आएँ, अगर आपके पास नहीं है तो ख़रीद लेना इंडिया से ही। और फ़ोन की एक्सेसरी ज़रूर लेके आना, यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, मैंने अपनी सारी वीडियोस में पहले भी इंसिस्ट किया आपको। स्क्रीन प्रोटेक्टर, फ़ोन केसेस वगैरह वो ले आना आप अपने। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में एज सच इतना कुछ नहीं है, जो भी आपके पास है वो ले आना, बट मेक श्योर कि आपको वोल्टेज का पता हो, और अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो अवॉइड ही करना, लाना यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉस्मेटिक्स या फिर आपके बाथरूम एसेंशियल्स। इसकी बात करें तो आपको एक टॉवल जो है वो लाना चाहिए, और इसके अलावा आप शैम्पू, कंडीशनर, आपका शावर जेल इनिशियल डेज़ के लिए, राइट, बाद में तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, बट एकदम से आप नहीं जाएंगे लेने, तो ये चीज़ें लेके आना। मॉइस्चराइज़र, एंड आप अगर स्पेक्स लगाते हैं देन कॉन्टैक्ट लेंस या स्पेक्स जो भी है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप एक्स्ट्रा पेयर ले आना अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर आपका इंश्योरेंस में कवर नहीं है तो यू कैन ईजिली स्पेंड $200-$300 ऑन जस्ट वन पेयर ऑफ स्पेक्स।
कॉम्ब ब्रश जो होता है वो यहाँ पे मिल जाएगा, बट एक ले आना अपने लिए। और आपके बाथरूम एसेंशियल्स में आ जाते हैं टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो आप अपना टूथपेस्ट और टूथब्रश पैक करेंगी वो आप अपने केबिन लगेज वाले में लेके आना, क्योंकि जब भी आपकी स्टे होगी कहीं पे, जैसे मेरी स्टे थी 6 आवर की स्टे थी मेरी एम्स्टरडैम में, और वहाँ पे मुझे ब्रश करना था क्योंकि फ्लाइट बहुत लंबी थी और मैं ब्रश करे बिना नहीं रह पा रही थी, तो मुझे वहाँ पे एम्स्टरडैम पे यूरोज में कन्वर्ट कराने पड़े। पहले अपने डॉलर्स को मैंने यूरोज में कन्वर्ट कराया, फिर मैंने एक टूथपेस्ट खरीदा, टूथब्रश खरीदा, फिर मैंने वहाँ पे पेस्ट किया, राइट। तो वो वाली मिस्टेक मत करना, आप अपना टूथपेस्ट और टूथब्रश जो है वो आप अपने केबिन लगेज में, जो आप बैग पैक साथ में लेके आएंगे एयरपोर्ट पे, उसमें रखना। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे जैसे थोड़े बहुत जैसे लड्डू होते हैं ना, कुछ खाने का सामान, वो आप अपने केबिन लगेज में रख लेना, क्योंकि आपको फिर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। एम्स्टरडैम में जब मैंने आपको बताया कि मैंने ब्रश और कोलगेट खरीदा था, तो मैंने वहाँ पे फिर खाने के लिए मैकडी पे भी स्पेंड किया, जो कि बहुत कॉस्टली था उस टाइम पे। आपके पास वो करेंसी भी नहीं होती और कन्वर्जन फीस लग जाती है, ये सारी चीज़ें। तो कोशिश करना कि आपको पता हो कहाँ कहाँ पे आपकी स्टे है, कैसे कैसे खाना खाना है, थोड़ा सा जो है लड्डू वगैरह वो आप अपने बैग में रख लेना। इसके बाद आपकी आती है मेडिसिन। मेडिसिन के लिए आप पूरा फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करना, उसमें आप बेसिक जो मेडिसिन होती हैं, जैसे हेडेक हो गया, स्टमक एक हो गया, नौजिया हो गया, या फिर बैंडेड्स हो गई, ये सारी जो बेसिक मेडिसिन है ना, वो सारी एक आप फर्स्ट एड बॉक्स में ले आना। मेरे पास एक बॉक्स था जिसमें मैंने सारी चीज़ें डाली थी। फॉर द सेफर साइड आप उसकी एक लिस्ट बना के, जैसे केमिस्ट शॉप होती है ना, उसके सिग्नेचर्स ले लेना कि वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए हैं। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं और प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, तो मेक श्योर कि आपकी मेडिसिन के साथ आपके पास प्रिस्क्रिप्शन भी हो जब भी आप कैनेडा आएँ। तो ये चीज़ मेडिसिन के लिए बहुत ध्यान में रखनी है। नाउ विल टॉक अबाउट मिसलेनियस चीज़ें जो आपको ज़रूर लेके आनी है, जैसे कि आपकी बेडिंग। बेडिंग में आपके पास आपकी बेडशीट्स आ जाती हैं, मेक श्योर कि आप 3-4 पेयर बेडशीट लेके आएँ। मैंने मिस्टेक की थी, मैं सिर्फ 2 ही बेडशीट लेके आई थी, और यहाँ पे बेडशीट वैसी नहीं मिलती है, यहाँ पे बेडशीट बहुत ही पतली सी होती है, वो क्वालिटी होती नहीं है। इंडिया में कॉटन की बहुत अच्छी मिलती है, तो मेक श्योर 2-3-4 जितनी भी आपके पास स्पेस है वो लेके आएँ। और इसके अलावा आप अपने जो पिल्लोज हैं, एक पिल्लो लेके आना, उसको आप वैक्यूम करा सकते हैं, वो काफ़ी कंप्रेस करके आपकी स्पेस सेव कर लेता है आपके जो लगेज है उसमें। सेम विद योर क्विल्ट एज वेल, जो भी आप क्विल्ट लेके आएंगे, जैसे रजाई या फिर एसी कंफर्टर जो भी लेके आते हैं, उसको आप कंप्रेस करा सकते हैं, वैक्यूम करा सकते हैं। वैक्यूम करके वो बहुत छोटा सा बन जाता है और उसमें आपकी काफ़ी स्पेस बच जाती है। इसके अलावा बेडशीट के साथ पिल्लो कवर तो होंगे ही। बेडिंग के अलावा आप कुछ कैश ज़रूर लेके आना, जैसे $1000 कैनेडियन कन्वर्ट करा के ले आना, यहाँ पे आके आपको इनिशियल यूज़ पड़ सकती है उस कैश की, तो इट इज़ रिकमेंडेड। और मैंने जैसे टैक्सी की थी तो मैंने कैश ही पे किया था, मुझे कोई रिसीव करने वाला नहीं था एयरपोर्ट पे, आई बुक माय ओन टैक्सी देन आई पेड इन कैश, क्योंकि तब आपका बैंक अकाउंट भी नहीं होता, इसीलिए कैश बहुत ज़रूरी है। सो ये थी सारी लिस्ट, आपको क्या लेके आना क्या नहीं लेके आना है। आई होप आई कवर्ड एवरीथिंग, इन केस आई मिस्ड एनीथिंग आई विल राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो होनी चाहिए लिस्ट में, यू कैन ऑल्सो राइट दैट इन कॉमेंट सेक्शन, कि बाकियों की हेल्प हो जाए। इसके अलावा आपको आपकी स्किल्स पे काम करना है, वो सारी चीज़ें मैं बाकी वीडियोस में बताती रहती हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी स्टडी इन कैनेडा वाली प्लेलिस्ट देख लेना। और अगर आपको जॉब के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है और लगता है कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, जॉब्स कैसे ढूंढनी है, मैंने कौन सी जॉब की थी, मैंने अपनी फीस कैसे पे की, ये सारी चीज़ें आपको जॉब्स इन कैनेडा और स्टडी इन कैनेडा वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी यूजफुल वीडियोज दैट आर कमिंग नेक्स्ट। सो चलो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।